नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। पंजाब की आम आदमी पार्टी नियमित रूप से राज्य में पराली ना जलाने को लेकर हमेशा कई दावे करती है, लेकिन नासा द्वारा जारी हालिया सैटेलाइट तस्वीरें एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही है, जो दिखाती है कि पंजाब पराली जलाने का एक प्रमुख हॉटस्पॉट बन चुका है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से बहुत आगे निकल चुका है। तो फिर मान सरकार के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार इतनी बुरी तरह से क्यों नाकाम हो रही है? नासा के मॉनिटरिंग डेटा, जो अंतरिक्ष से वैश्विक दृष्टिकोण को कैप्चर करते हैं, एक कड़वी सच्चाई उजागर करता है। 3 नवंबर के जारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब में पराली जलाने के 216 मामले सामने आए, जबकि हरियाणा में केवल 19, उत्तर प्रदेश में 16, मध्य प्रदेश में 67 और राजस्थान में 36 मामले दर्ज हुए। 4 नवंबर तक आते आते पंजाब का आंकड़ा बढ़कर 262 हो गया, जबकि हरियाणा का 13 और उत्तर प्रदेश का 84 था। ये आंकड़े चौंकाने वाले और चिंताजनक है, खासकर जब पंजाब के आंकड़ों की तुलना अन्य राज्यों से ज्यादा है और लगातार बढ़ रही है। अब ये सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए क्या कर रही है, जो सीधे तौर पर ये प्रदूषण लाखों लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली में अब सांस लेना भी दुर्भर हो गया है। कल तक जो केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवत मान अन्य राज्यों में पराली जलाने को लेकर दूसरे राज्यों पर प्रदूषण के बढ़ने का आरोप लगाते थे, आज उन्हीं के राज्य में सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है। हर नए सैटेलाइट तस्वीर के साथ मान सरकार के इस संकट को संभालने में अक्षमता और भी स्पष्ट होती जा रही है। जबकि अन्य राज्यों में सुधार हुआ है और पंजाब की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे उत्तर भारत में भारी प्रदूषण फैल रहा है और जनता के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है। यहाँ एक चिंताजनक सवाल ये है कि क्या पंजाब सरकार सच में अपने लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, या बस खोखले वादे करके सत्ता की कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रही है। अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, केवल पर्यावरण और किसानों के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की जिम्मेदार शासक के रूप में विश्वसनीयता के लिए भी।